वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको अल्ट्रासाउंड में एक ऐसी कंडीशन बताने वाला हूँ जो कि यूजली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। कभी कभी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक तो दिखाई देता है लेकिन योग सैक और फिडल पोल दिखाई नहीं देती। अब ये योग सैक, जेस्टेशनल सैक और फिडल पोल क्या होता है और ये दोनों कब दिखाई देंगे और बच्चे की दिल की धड़कन कब दिखाई देगी, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। उसके लिए आपको आपकी लास्ट पीरियड डेट का पता होना चाहिए, जिसे LMP डेट या लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिनों की थी और आपको 29वें दिन तक पीरियड्स नहीं आए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपने, वो पॉजिटिव आया, तो आपको कन्फर्म हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो। सो प्रेगनेंसी के लगभग 30वें दिन, अब 30वें दिन कहाँ से काउंट करने हैं, जिस दिन आपको आपके पीरियड्स लास्ट बार आए थे वहाँ से आपने काउंट करने हैं। तो मान लीजिए कि आपने 30वें या 32वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाया, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो कि पेट के ऊपर से होता है। अल्ट्रासाउंड करवाने पर हमें प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये जेस्टेशनल सैक क्या होता है? ये जेस्टेशनल सैक प्रेगनेंसी में दिखाई देने वाली पहली झिल्ली होती है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी के अंदर दिखाई देती है। सिंपली बताऊं सरल भाषा में तो ये जेस्टेशनल सैक एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। इस थैली के अंदर बच्चा भी बनेगा, बच्चे की दिल की धड़कन भी आएगी और प्रेगनेंसी की जितनी भी प्रोसेस होनी है वो इसी थैली के अंदर होगी। फिर जब ये जेस्टेशनल सैक हमें दिखाई देता है तो इस जेस्टेशनल सैक के दिखाई देने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद हमें इस जेस्टेशनल सैक के अंदर एक और संरचना दिखाई देती है जिसे योग सैक कहते हैं। ये योग सैक क्या होता है? ये योग सैक भी एक थैली जैसी गोल संरचना होती है। इस थैली के अंदर बच्चे के लिए हर वो चीज़ अवेलेबल रहती है जिससे बच्चा ग्रो होगा, अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाएगा शुरुआती स्टेज में जब तक प्लेसेंटा बनता नहीं है। इस योग सैक के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें इस योग सैक की सीमा पर एक कर्व टाइप की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को अगर अल्ट्रासाउंड में ध्यान से देखें तो एक साइड पर बच्चे का सिर दिखाई देता है और दूसरे सिरे पर बच्चे की पोल मतलब पूंछ या टेल दिखाई देती है जिसे फीटल पोल कहते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो फीटल पोल बेबी या बच्चा या भ्रूण होता है। इस फीटल पोल का साइज भी धीरे धीरे जब इंक्रीज होगा तो ये बच्चे का रूप धारण कर लेता है। ओके, अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड करूँ ये स्टेटमेंट तो मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको जेस्टेशनल सैक दिखाई दिया लेकिन फीटल पोल या योग सैक नहीं दिखाई दिया, तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं आपकी कंडीशन के लिए प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के लिए, जब जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है और दो चीज़ें नहीं दिखाई देती मतलब योग सैक और फीटल पोल, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको 14 दिन के बाद दोबारा से एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस देते हैं। ऐसे ही अगर जेस्टेशनल सैक के साथ आपको योग सैक दिखाई देता है लेकिन फीटल पोल नहीं दिखाई देता,
तो आपको 11 दिनों के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने पर जेस्टेशनल सैक भी दिखाई देगा, उसके अंदर योग सैक भी दिखाई देगा और फिटल पोल के साथ बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती और सेम कंडीशन ही आती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ एडवांस टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे बीटा एसीजी या प्रोजेस्ट्रोन का टेस्ट, या फिर आपको योनि मार्ग से अल्ट्रासाउंड करवाने की भी एडवाइस दी जा सकती है, जिसे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।